चाहत पांडे और रजत दलाल आ रहे हैं क्लोज में जी हां दोस्तों ये दोनों की जो भी दोस्ती थी ना कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ने लगी है जरा होता ये सीन है कि रजत दलाल को और दोस्तों चाहत को भूख लगी थी तो वहीं पे घर के अंदर खाने को नहीं था तो चाहत ने जैसे ही बोला यार मुझे बहुत भूख लगी है पेट दर्द कर रहा है तो फटाक से जाके रजत दलाल ने अंदर से अंगूर ला के यहाँ पर चाहत के सामने रख दिया और बोला खाओगे या नहीं पहले तो चाहत ने इग्नोर किया एक से दो तीन बार बोला रजत ने फिर उसके बाद दोस्तों रजत दलाल बोलने लगे ओए मैडम खा लो अंगूर एन ऐसा कहते दोस्तों यहाँ पर रजत सुनते हुए थोड़े पर चाहत पांडे ने भी खा लिया और दोस्तों चाहत पांडे के पास ही बैठ के रजत दलाल अंगूर खाते नजर आए जहां दोस्तों घर के अंदर टाइम भी दोनों की बॉन्डिंग हम सभी को बढ़िया नजर आ रही है वीकेंड के वार के बाद सलमान सर ने भले ही दोनों को तोड़ने की कोशिश की लेकिन दोस्तों रजत दलाल और चाह जो एक दूसरे के दूर दूर खिलाफ खिलाफ नहीं रह सकते ऐसा हम सभी को पता चल गया है अभी एक टाइम पे विवियन घर के अंदर क्या क्या कर रहे हैं उसी के बारे में चोली करते नजर आ रहे हैं सभी लोग विवियन के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं कि विवियन किस तरीके से घर के अंदर सीरियल में पहले बाहर रहता था उसका रुतबा था घर के अंदर आके इमेज वो डुबा रहा है यहाँ पर दोस्तों लेकिन रजत दलाल और चाहत पांडे जो है मस्त पे कि एक दूसरे को देखते देखते खाने में लगे वहीं पे दोस्तों दिग्विजय भी वहीं पे बैठे थे दिग्विजय भी स्माइल देते नजर आए रजत दलाल को देखते हुए और वहाँ पर वो पलट गए आप सभी का इनके ऊपर क्या है कहना है मुझे कमेंट करना ये दोनों की दोस्ती आप सभी को कैसी लगती है एक बार कमेंट के अंदर